दोस्तों, एक बॉलर तभी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जब अपनी टीम को आखिरी के ओवर में कम से कम रन डिफेंड करके जीत दिलाए। तो आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे बॉलर लेकर आए जो डेथ ओवर में बल्लेबाजी कर रही टीम के बल्लेबाजों को 5-5 रन बनाने के लिए भी तरसा देते हैं। नंबर 10, जोस हेजलवुड। मेन इन येलो जेस हेजलवुड भी इन बॉलर की लिस्ट में आते हैं जिन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माना जाता है। 2013 में डेब्यू करने वाले हेजलवुड को 2020 तक उन्हें सिर्फ रेड बॉल में ही देखा गया था, लेकिन फिर इन्होंने आईपीएल में व्हाइट बॉल से शुरुआत की और एक टाइम ये T20 के नंबर 1 बॉलर भी बन चुके थे और फिलहाल ये ODI रैंकिंग में नंबर 2 पर है। नंबर 9, वैसे तो डेथ ओवर में स्पिनर से बॉलिंग करवाना मतलब हाँ बैल मुझे मार वाली कहानी होती है, जिसे शाहिद अजमल के साथ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था, जब पाकिस्तानी कप्तान ने शाहिद अजमल से आखिरी ओवर करवाने के लिए रिस्क लिया था, जहां हसी ने पहले 4 गेंदों पर 22 रन मारकर मैच को खत्म कर दिया था और जिसके बाद शायद ही किसी कप्तान और स्पिनर ने यह हिम्मत करी होगी। लेकिन अभी के समय में सिर्फ एक ही स्पिन बॉलर ऐसा है जो डेथ ओवर में बल्लेबाजों के साथ दो दो हाथ करने का जिगरा रखता है और वो है रशीद खान। राशिद खान ने कई मुश्किल परिस्थितियों में भी डेथ ओवर में गेंदबाजी की है और अपनी टीम को जीत दिलवाई है, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मात्र 9 रन डिफेंड कर लिए थे। नंबर 8, दोस्तों अगर हर T20 लीग को देखा जाए तो बेस्ट T20 इकोनॉमी रिकॉर्ड साउथ अफ्रीकी बॉलर क्रिस मॉरिस के पास है, जो कि T20 मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 2 रन देकर 3 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं और हर बड़ी T20 क्रिकेट लीग में क्रिस मॉरिस को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ही माना जाता है। नंबर 7, मुस्तफिजुर रहमान। दोस्तों बांग्लादेश का है गेंदबाज कमाल की एबिलिटी के साथ गेंदबाजी करता है। इनके आते ही बांग्लादेशी बॉलिंग अटैक भी स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि फास्ट बॉलिंग के साथ साथ स्पिन भी करा सकते हैं। इस बॉलर का तोड़ किसी के पास नहीं था, बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप भी इन्हें बीट नहीं कर पाते थे। मुस्तफिजुर रहमान IPL के भी मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रह चुके हैं। नंबर 6, मिचेल स्टार्क। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा से बेस्ट बॉलिंग अटैक रहा है जिनमें से एक है मिचेल स्टार्क और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिचेल स्टार्क मौजूदा समय के सबसे तेज गेंदबाज हैं। इनकी 160 किलोमीटर की ऑर्कर है और उनकी रिवर्स स्विंग को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि इंडियन मम्मियों के लिए इंटरनेट। नंबर 5, तैमल मिल्स। तैमल मिल्स को मौका जोफ्रा आर्चर के इंजर्ड होने के बाद मिला था, लेकिन इन्होंने अपनी काबिलियत और लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा गिरफ्तार से गेंदबाजी कर अपनी जगह टीम में पक्की कर ली और अब यह इंग्लैंड टीम के सबसे सफल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। नंबर 4, टीम सऊदी। ऐसे तो टीम सऊदी ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में की थी, लेकिन आज भी इनकी जगह टीम में कोई नहीं ले पाया है और इसकी वजह है उनका हर सिचुएशन में परफॉर्म करना, बाल नहीं हो या पुरानी, पावर प्ले हो या डेथ ओवर, सऊदी हर सिचुएशन में न्यूजीलैंड के काम आते हैं। सऊदी न्यूजीलैंड के लिए 5 से भी ज्यादा सुपर ओवर फेंक चुके हैं। नंबर 3, क्रिस जॉर्डन। दोस्तों डेथ ओवर में एक बॉलर का खास हथियार होता है, एक परफेक्ट यॉर्कर, और डेथ ओवर में ज्यादातर गेंदबाज इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बॉलर भी ऐसे होते हैं जिनके यॉर्कर सही ठिकाने पर गिरते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है लसित मलिंगा का, जिनकी 70% यॉर्कर ठिकाने पर गिरती थी, लेकिन अभी के समय में क्रिस जॉर्डन है जिनकी 50% से ज्यादा बॉल यॉर्कर करा सकते हैं। नंबर 2, हरीश राउफ। दोस्तों पाकिस्तान के प्रमुख गेंदबाज हरीश राउफ के पास 150 की स्पीड से यॉर्कर करने की एबिलिटी है। पाकिस्तान टीम में इनका रोल ही आखिर के ओवर में बल्लेबाजी को रोकना होता है। ये अपने स्पीड और कमाल के वेरिएशन से डेथ ओवर में काफी कारगर साबित होते हैं। ये अपनी 50% विकेट भी आखिर के ओवर में ही लेते हैं। नंबर 1, अब बात करते हैं हमारी टीम इंडिया के यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह की। डेथ ओवर में बॉलर का ब्रह्मास्त्र होता है यॉर्कर और उसी में तो हमारे बुमराह साहब मास्टर हैं और इस चीज को वो कई बार साबित भी कर चुके हैं, जैसे 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बटलर और रूट के सामने 8 रन डिफेंड करके दोनों को ही पवेलियन लौटाना इनकी कमाल की वेरिएशन और सरप्राइज डिलीवरी का ही तो कमाल है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोई गेंदबाज जो इनकी बराबरी कर सकता हो, और अगर ऐसा कोई बॉलर है जो हमारी लिस्ट में नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।